ओम शांति। आपका प्रश्न है, इस जन्म में दो शादियां हुई तो हर जन्म में दो शादियां होती रहेंगी? आप सबसे पहले ये जरूर समझ ले, क्योंकि आपके प्रश्न से जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप कौन हैं। आप शादी करने वाले आप हैं कौन? ये रोल प्ले करने वाली आप आत्मा है। आप ये शरीर नहीं है। आपका प्रश्न मुझे ये बताने के लिए मजबूर कर रहा है कि पहले आपको ये समझाया जाए कि आप आत्मा है, आप ये शरीर नहीं है। आप आत्मा है, आप ये शरीर नहीं है। गीता में लिखा गया, शरीर जमा आत्मा। शरीर में जब आत्मा आती है तो चलता फिरता इंसान बनता है, तो चलता फिरता इंसान बनता है। आत्मा इस शरीर से निकली तो ये मिट्टी है, इसे कोई प्यार करने वाला नहीं। आप आत्मा जब तक इस शरीर में हैं तो सब आपको प्यार कर रहे हैं। जिस पल आप आत्मा ने शरीर को छोड़ा, कोई आपको प्यार करने वाला नहीं है। यहाँ दो शब्द आते हैं, एक मैं और एक मेरा। मेरा चश्मा, ये चश्मा मेरा है, मैं चश्मा नहीं हूं। मेरी गाड़ी, गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं हूं। सारा दिन मैं जिन चीजों को मेरा 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 कहता हूं, इसमें कोई शक नहीं, वो मेरे हैं, परंतु वो मैं नहीं। मैं और मेरे में ये अंतर आपको समझ में आ गया है तो मेरी आंखें, इसका मतलब मैं आंखें नहीं हूं। मेरे कान, इसका मतलब मैं कान नहीं हूं। मेरा मुख, इसका मतलब मैं मुख नहीं हूं। मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूं। मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूं। जिसको मैं मेरा कहता हूं वो मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा इस शरीर में कहाँ होती है? जहां ये रीढ़ की हड्डी ब्रेन से जुड़ रही है, यहां पर पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, तीन ग्लैंड्स में आत्मा की सीट है। इसके लिए यहां माथे पर तिलक लगाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि आत्मा यहाँ है। आत्मा यहाँ माथे पर नहीं है, बल्कि इस माथे से लगभग 2 से 3 इंच अंदर, ठीक है कि नहीं? जहाँ आत्मा की सीट है, जहाँ से आत्मा सारे शरीर से आने वाले संदेश को प्राप्त करती है और ऑर्डर करती है। तो मैं समझ में आया होगा, आप आत्मा एक एक्टर, ये लाइन बहुत अच्छी तरह से याद रखें। और आप एक्टर आत्मा में रोल भरा हुआ है। हर आत्मा को एक्यूरेट रोल मिला हुआ है। हर आत्मा में 5,000 साल का रोल प्ले करने की क्षमता है, और वो रोल ऐसा भरा हुआ है जिसे परम
आत्मा भी चाहे तो चेंज नहीं कर सकते। और आप आत्मा एक ऐसा एक्टर हैं, आप आत्मा एक ऐसा एक्टर हैं जो एक्टिंग करने में एक्सपर्ट। आपकी एक्टिंग में जरा भी गलती नहीं हो सकती, आपकी एक्टिंग में जरा भी गलती नहीं हो सकती। आप किसी एक्टर को एक फिल्म में, एक जीवन को आप एक फिल्म समझ लो छोटी सी, एक फिल्म में डबल रोल करने का पार्ट मिला तो क्या वो हर बार हर फिल्म में डबल रोल करेगा? कभी वो हीरो बनता है, कभी साइड हीरो बनता है, कभी विलियन बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। यहाँ तो आप कभी माँ बनते हैं, कभी पिता बनते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी भाई बनते हैं, कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध। हर जन्म में हमारा कोई एक संबंध फिक्स नहीं है, हर फिल्म में एक ही रोल मिले ऐसा नहीं है। यहाँ तो खैर कई कई फिल्मों एक्टरों का तो ऐसा हो जाता है कि इसको ऐसा ही रोल देना है, ऐसे ही रोल कर सकता है, परंतु आपका रोल हर जन्म में अलग 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 होता है। उन रोल्स का आधार आपके कर्म होते हैं, आप उसी प्रकार का कर्म करते हैं, उसी प्रकार का रिटर्न में आपको मिलता है, फिर कर्म करते हैं फिर रिटर्न में मिलता है। आप सब अपना लेन देन बराबर करके घर सारी आत्माएं एक साथ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि हर जन्म में एक रोल नहीं मिलता, हर जन्म में वैरायटी रोल मिलता है, और वो रोल आप आत्मा के अंदर फाइनल है, डिसाइडेड है। एक्यूरेट टाइम तक आप अपना रोल प्ले करते हैं, जैसे ही आपका रोल पूरा हुआ एक सेकंड वहां नहीं रुक सकते, बहाना कुछ भी बने आपको वहां से जाना है। चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे प्यार से, चाहे ट्रांसफर हो जाए, या किसी कारण से, कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा जिसके कारण आपको वहां से दूसरी जगह जाना होगा, अनअवॉइडेबल, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब आपका दूसरी जगह रोल है, आप वहां नहीं रह सकते, आपको एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट रोल प्ले करने के लिए जाना ही जाना है। ये संसार आपका रोल जहां जहां जैसा होता है, कहां आप माँ का रोल, कहां आप पति का रोल, कहीं आप पत्नी का रोल, कहीं आप भाई का रोल, कहीं आप बेटे का रोल, कहीं आप फ्रेंड का रोल, कहीं आप दुश्मन का रोल, आप अपना रोल वैरायटी रूप से प्ले करते रहते। इस रोल्स को अच्छी तरह समझने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहां पर आपको लगभग 2000 वीडियो मिलेंगे और आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे, और जिससे आप समझ सकेंगे कि अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, जिसमें आत्मा से संबंधित और परमात्मा से संबंधित वीडियोस को आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। और उसमें लगभग 2000 वो वीडियो हैं जो आप सभी भाई बहनों ने अलग अलग प्रकार से अपने प्रश्नों को पूछा है, और उन प्रश्नों को कुछ आत्मा से संबंधित हैं तो उनको आत्मा में, जो आत्मा से संबंधित नहीं है उनको जिस विषय से संबंधित है उसी क्षेत्र में रखा गया है। तो आप अपने प्रश्न का उत्तर उनमें से देख सकते हैं, और यदि आपका ऐसा कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको ना मिल रहा हो या उस वीडियो में ना हो, नीचे एक जिसका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी फोल्डर बना हुआ है, उसको भी आप जरूर देख ले, और उसमें से भी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो आप जरूर 9213106986 पर व्हाट्सएप करें, ताकि उस प्रश्न का वीडियो बना करके भी वहां पर डाल दिया जाए, ताकि आप
उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सके। या आप अपने नजदीक के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करके अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।